हेलो गाइस, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आपको अगर शॉर्टकट रूट से रियासी से अखनूर साइड पे जाना है तो ये सबसे पहले आपका ब्रिज आने वाला है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है रास्ता, ये हमारा लिंक है जो रियासी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, और ये शॉर्टकट लिंक है। इस लिंक को क्रॉस करके आप सीधे हमारा कठार गाँव है इधर, वो पड़ता है। जब आप ये वाली रोड क्रॉस करोगे तो कठार वाली साइड पहुंच जाओगे, और जैसे आप ये रोड क्रॉस करोगे और ये पुल क्रॉस करके रियासी वाली साइड जाओगे तो वो सबसे पहले जो आपका विलेज आने वाला है वो जेरी विलेज है, वो सबसे पहले आएगा। तो अभी आपको सिनेमेटिक व्यूज में और कंटिन्यूसली वीडियोस में दिखाऊंगा कि आपको कैसे आराम से फ्रॉम अखनूर टू रियासी, ओनली 45 किलोमीटर फ्रॉम अखनूर टू रियासी विदाउट एनी टोल, बट ओनली 7 किलोमीटर रोड है जो आपका अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ है, बाकी रोड आपका वेल मेंटेन है। 29 टू 30 किलोमीटर रोड इज़ इन गुड कंडीशन, और जो 7 किलोमीटर रोड है वो थोड़ा बुरी कंडीशन में है। तो हम आज इको स्पोर्ट गाड़ी में जा रहे हैं, तो थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट गाड़ी रहती है। तो देखिए, आपको हम एज यूजुअल धीरे धीरे दिखाएंगे, ऐसे रोड तो बड़ा खतरनाक है बट आपको फिर भी थोड़े व्यूज दिखाएंगे। सर धीरे धीरे चलाइए, रात को इधर ही ना रहना पड़े हम दोनों को। खाने पीने की व्यवस्था आपको बड़ी कम ही मिलेगी, थोड़े से होटल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स नहीं बोल सकते हम इसको, छोटी सी शॉप्स हैं जो वैरायटी में रखते हैं, वो टी मिल जाएगी आपको, अगर कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए खाना पीना है वो मिल सकता है इधर, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपको वादियाँ बहुत अच्छी अच्छी दिखेंगी। ये ब्रिक किल्न है, ये आपको रास्ते में मिलने वाला है जब आप आओगे अखनूर टू रियासी रोड पे, तो आपको ये रास्ते में दिखेगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन इस रोड की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती है, बिकॉज जैसे कंटिन्यूसली रेन पड़ती है तो इस रोड को ख़राब होना लाइजाइज है, वो बनेगा ही बने, ख़राब हो गई। बस यही 7 किलोमीटर रोड है जो आप वर्स्ट कंडीशन में है, बाकी रोड हमारा बिल्कुल क्लियर आउट है, आप आराम से विजिट कर सकते हैं, रियासी घूम सकते हैं। मैं आपको रियासी का ऊपर वाला एरिया भी दिखाऊंगा, जैसे हम अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट ब्लॉग हमारा अखनूर टू रियासी, और मैं वापस आ रहा हूँ आज रियासी टू अखनूर। ओके, ये देखिए थोड़ा कंडीशन, आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप कभी आने वाले हो। और जब भी इस रोड पे आप ट्रेवल कीजिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गाड़ी बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स है तो गाड़ी एकदम से सामने आ जाती है, पता ही नहीं चलता। वैसे हमारे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है बिकॉज हमने 7-8 महीने से इसी रोड को फॉलो आउट करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप आइए तो हॉर्न को प्रेस कीजिए, हर एक टर्न पर हॉर्न को प्रेस कीजिए, और थोड़ी स्पीड को लिमिट में रखिए कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई ऑफ रोडिंग गाइस हैं तो आ जाइए इस रोड पे अपनी ब्लैरो लेके, थार के लिए तो बेस्ट रोड है, अपनी थार को टेस्ट कीजिए कि थार कैसी चलती है इन रोड्स पे। ये रोड नहीं बोल सकते हम, ये ऑफ रोडिंग से भी वर्स्ट कंडीशन के रोड्स है, इसको ऑफ रोडिंग भी नहीं है, ट्रक रोड कहते हैं। देखो हमारी इको स्पोर्ट इतना दम रखती है फिर भी इसकी कंडीशन आई थिंक बड़ी बुरी चल रही है इस समय। हमारे जो ऑनर है जिनकी गाड़ी है उनके दिल में दर्द हो रहा है, जैसे गाड़ी को नीचे कोई पत्थर टच कर रहा है। चलो क्या करना, फिर शॉर्टकट एंजॉय कर रहे हैं हम, दो टोल प्लाजा बचाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टोल बचा लिया सर आपने। इसको इधर से इधर टर्न करोगे नहीं ये आ रही, बड़ी बॉस कंडीशन है यार। यार देखो पल्सर, देखो पल्सर 220 नहीं मान रही, पल्सर 220 मानती तो हमारी इको स्पोर्ट भी नहीं है। ये देखिए थोड़ा व्यू, रोड का व्यू देखिए। जब
बारिश आ रही होती है ना, तो इस रोड में आपको कहीं ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहाँ पे पानी नहीं होगा, पूरी तरह से फ्लडेड होती है ये। बड़ा जिगरा रखना पड़ता है सर इस रोड पे आने के लिए ना, छोटी मोटी गाड़ी आई थिंक चलती नहीं है इधर। हमारा बुरा रोड खत्म हो चुका है, अभी हम थोड़ा अच्छे रोड पे पहुंचने वाले हैं। अब जब आओगे आपको इधर से टर्न करना पड़ेगा, ये कठार वाली साइड जाता है, आपको इस साइड से देखिए ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये कठार वाली साइड जा रहा है ऊपर रास्ता, ठीक है। अभी ये हमारा रोड आ चुका है, अभी ये लिंक होगा घराटल जगह है आपको, हाई सेकेंडरी स्कूल घराटल, ये उधर तक रोड बिल्कुल सही है, बढ़िया रोड है। एक्चुअली ये रोड अभी इधर से लेकर अखनूर तक सारा ही बिल्कुल अच्छा है, बीच बीच में थोड़े से हैं गड्ढे वगैरह, बट मैक्सिमम ये रोड बढ़िया है। आपको थोड़ा व्यूज दिखा दूंगा जब आप आओगे, आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये वही रोड है। वैसे ये बड़ा शांत रोड है, इसमें इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट जब भी आओ थोड़े ब्लाइंड टर्न्स हैं उसको देख के, देखिए ब्लाइंड टर्न्स आप देख ही रहे होंगे। तो सर आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, ड्राइविंग कर रहे हो आप, कैसा आपको एक्सपीरियंस लग रहा है इस रोड का? एक्सपीरियंस सर रोड बहुत अच्छा है, एकांत रोड है, अकेले में आप मजे से ड्राइविंग करो, स्पीड को लिमिट में रखो और मोड़ों को देखते रहो, टर्न्स को। बाकी ये 400 साल पुराना मंदिर है, 600 साल सर, 600 साल, 600 ईयर ओल्ड। ये आप इधर प्राचीन आइए, प्लीज विजिट कीजिए, बहुत अच्छा मंदिर है ये। आपको मैंने बोर्ड जो है इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आपको रास्ते में मिलेगा जब आप रियासी टू अखनूर, अरे अखनूर टू रियासी आने वाले हो तो आपको ये रास्ते में मिलेगा मंदिर। इधर आइए दर्शन कीजिए, ठीक है। इधर से ऊपर रास्ता गुसान की तरफ जाता है और इधर से जब हम नीचे वाली साइड ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको ये घराटल जगह है, घराटल घराटल है ना, इसे स्कूल है तो उसका नाम पे जो घराटल लिखा हुआ है, आपको छोटी सी दुकानें भी मिल जाएगी, छोटी सी मार्केट है, अगर आप खाना पीना चाहते हो तो आपको आराम से सब मिल सकता है। एट लास्ट हमारी जर्नी खत्म होने वाली है, हम अभी अखनूर रोड पे पहुंच चुके हैं, देख लीजिए